इस वक्त की बड़ी खबर सांप्रदायिकता पर संग्राम है। मैं हूं आपके सामने निशांत चतुर्वेदी, लेकिन इससे पहले हम इस खबर पर जाएं, यहां पर पीछे आपने देखा है ब्रेकिंग न्यूज। क्या है ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर इस वक्त? हरियाणा की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जबरदस्त झड़प की तस्वीरें। ये देखिए किस तरीके से पथराव हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समर्थकों के बीच हुई है ये झड़प। हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच में बताया जा रहा है कि मामला गुरुद्वारे पर कब्जे से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, ये इससे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। गुरुद्वारे को लेकर यह हंगामा हुआ। आपको बता दें 20 जुलाई को भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने निश्चित तौर पर हैरान करके रख दिया है। हरियाणा सरकार ने एक अलग से गुरुद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। दरअसल हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो कंट्रोल लेना चाहती थी SGPC से गुरुद्वारे का। हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बुधवार को एक बैठक की, उसमें डिसाइड ये किया, फैसला ये किया कि जब SGPC ने गुरुद्वारे का कंट्रोल देने से मना कर दिया तो उन्होंने ये करने का फैसला किया। सतेन चौहान इस वक्त हमारे साथ है। सतेन, पूरी खबर बताएं। देखिए, पिछले कई दिनों से जो है इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा में तनाव बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा में अगर कानून के लिहाज से देखा जाए तो अलग SGPC बन चुकी है और इस SGPC के सदस्य कई बार मीटिंग कर चुके हैं। अब इनकी जद्दोजहद जो फिलहाल गुरुद्वारे हैं, जिन पर कि पंजाब की जो SGPC है उनके लोगों ने जो है कब्जा जमा रखा है और वो इस कब्जे को छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उन लोगों ने ये भी ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है इसको हम मान्यता नहीं देते हैं, लिहाजा हम गुरुद्वारों से कब्जा नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरी तरफ जो हरियाणा के सिख हैं उन्होंने अपनी अलग कमेटी बना ली है और प्रशासनिक जो अमला होता है, जो रस्म रिवाज होती है, उसके तहत इन सबको ओथ भी दिला दी गई है। और आज इसी संदर्भ में कुरुक्षेत्रा में जो हरियाणा के सभी जिलों से सिख आए हुए थे और उनकी बाकायदा मीटिंग थी, और मीटिंग के बाद जब वो गुरुद्वारों पर कब्जा लेने के लिए आगे बढ़े तो इस तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही काफी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात रखी थी। तो पुलिस और जो है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के बीच में आज तीखी झड़प हुई है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, आंसू गैस छोड़ने पड़े हैं, पानी की बौछारें डालनी पड़ी है और तकरीबन 20 पुलिस कर्मियों को इसमें चोटें आई हैं और दर्जन भर के करीब पुलिस कर्मियों को सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि काफी संख्या में सिखों को भी चोट आई है, लेकिन फिलहाल मामला शांत है। लेकिन सिख जो है वहीं गुरुद्वारे से 200 मीटर की दूरी पर धरने पर फिर